नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि अब हम पहुंच चुके हैं नारायणपुर गाँव चाउरखाता मंडल में, यह जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है और सभी प्रत्याशी अपने अपने दांव पे खेल रहे हैं और लोगों के जनता के घरों पर जाकर वोट मांग रहे हैं। अब हम उन जनता से जानना चाहेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं। अखिलेश की सरकार बनाना चाह रहे हैं या माया की सरकार बनाना चाह रहे हैं या फिर दोबारा योगी को लाना चाह रहे हैं। आइए हम उन्हीं लोगों से जानते हैं जो जनता है लोगों को वोट देती है और उन्हीं की वोट से लोग सरकार बनती है और नेता विधायक बनते हैं। आइए हम पहले एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? चैतू। कहाँ रहते हैं? नारायणपुर। अच्छा, दो हज़ार बाईस नज़दीक है और 2022 में तमाम प्रत्याशी आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उनसे क्या मुद्दा रहेगा और मुद्दों को रखकर वोट करेंगे इस बार? क्या करार किया जाएगा, जो आएगा तो उसको दिया जाएगा भाई। तो किसकी, अखिलेश सरकार बनाएंगे या योगी सरकार बनाएंगे? अरे योगी सरकार बनाया जाएगा। योगी सरकार से क्या लाभ आपको है? अरे अब कहने गल्ला दिया था और जो है और वह चीज़ है रहे तो बदल दीजिए, कांग्रेस का दीजिए। तो यानी योगी सरकार से आपको गल्ला इस बार मिला? अब और कहाँ मिला भैया, और तमाम लाभ? लाभ कोई हमें ना मिल पाई। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। चलिए हम और लोगों को जानना चाहते हैं कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे। क्या नाम है आपका? हरशंकर। अच्छा, तो ये बताइए, 2022 नज़दीक है, तमाम प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, तो उन प्रत्याशियों से इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे, उन मुद्दों को रखकर वोट करेंगे आप? ऐसा मुद्दा ये है कि जैसे भाजपा सरकार है वो ठीक है, लेकिन ठीक है उसके साथ दिक्कत भी है। जैसे हमें फ़ायदा दे रही, गल्ला दे रही, 2000 रुपया दे रही है, लेकिन उसमें हमारा नुकसान कर रही है। जैसे 50 किलो खाद हमें 350 में मिल रहा था, इस वक्त वो हमें दाम पूरा देना पड़ता है, लेकिन हमें 45 ही किलो खाद मिलता है। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाएंगे फिर? इस बार हम सपा का सरकार बनाएंगे। सपा सरकार बनाएंगे, हाँ। चलिए, और ये बताइए, सपा सरकार से क्या आपको फायदे होंगे? सपा सरकार से हमें बहुत फायदा था, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, क्या नाम, एम्बुलेंस सुविधा मिल रहा था, 108 102। एम्बुलेंस सुविधा या 112 की बात की जाए तो अभी भी तो वो है, मिल रहा है इस भी सरकार में, मिल रहा है, लेकिन वैसी कंडीशन नहीं है। अच्छा, तो यार आप सपा को सपोर्ट करेंगे, वो सपा की सरकार बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ और नौजवान हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? जी सर, अरुण जयसवाल। अच्छा, तो ये बताइए, 2022 चुनाव नज़दीक है, तमाम प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आएंगे वोट मांगने के लिए और आप उन्हें वोट करेंगे, तो उन प्रत्याशियों के सामने आप क्या मुद्दा रखेंगे फिर वोट करेंगे? मुद्दा तो कुछ बचा ही नहीं है, मुद्दा क्या रखा जाएगा बताइए। तो किसको, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो भाजपा की बन रही है। तो भाजपा सरकार से क्या लाभ आपके हुए? भाजपा सरकार से बहुत लाभ हुआ है, जैसे किसान सम्मान निधि ले लीजिए, राशन वितरण ले लीजिए, सौभाग्य योजना ले लीजिए, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो बराबर धरातल पे योगी सरकार के जरिए उतर रही हैं। अगली सरकार थी 2017 के पहले, लखनऊ में सारा योजना अटक जाती थी, जो केंद्र सरकार दे रही थी वो भी अटक जाती थी, जो राज्य देना चाहती थी वो भी अटक जाता था। तो यानी अखिलेश सरकार जो अगर बता रहे हैं आने वाली है, इससे युवाओं को भी नुकसान है और किसानों को भी नुकसान है? हम तो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा में है, हर एक चीज़ का फायदा है, चाहे राशन वितरण को ले लीजिए, चाहे सौभाग्य योजना ले लीजिए, आप ले लीजिए। तो इस बार भाजपा सरकार आएगी? जी जी, 350 के प्लस के साथ में पुनः वापसी कर रही है। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, जानना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक। तो ये बताइए, 2022 चुनाव नजदीक है और 2022 में आप किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बना रहे, भाजपा सरकार से क्या लाभ आपको मिल रहा है? सारी सुविधाएं भाजपा सरकार में मिल रही है। अच्छा, उनमें समानता का व्यवहार किया जा रहा है। जी जी जी, अनेक जो मतलब अखिलेश सरकार में वहाँ से अगर 100 रुपये चलती थी तो यहाँ 10 रुपये पहुँचती थी। तो यानी इस बार आप भाजपा सरकार, भाजपा सरकार में पूरे पहुँच रही है? अखिलेश सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अखिलेश से क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है फिर भी। चलिए ठीक है, और हमारे साथ और लोग हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम फेर।
अच्छा, ये बताइए 2022 चुनाव नजदीक है, तमाम प्रत्याशी आपके दरवाजे पर जाएंगे और आपसे वोट मांगेंगे, आपका पैर तक पकड़ेंगे, लेकिन उस प्रत्याशियों के सामने क्या इस बार आप मुद्दा रखेंगे, मुद्दा रखने के बाद वोट करेंगे, क्या आपकी मांग रहेगी उन प्रत्याशियों से और किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, तो बीजेपी सरकार में क्या लाभ आपके हुए? लाभ सब सुविधाएं मिल रही हैं और क्या। तो यहाँ 20 बार बीजेपी सरकार। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं, क्या नाम है, ये युवा हमारे साथ हैं, युवाओं से हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका? राममोहन यादव। 2022 चुनाव नजदीक है और इस देश के युवा ही सबसे आगे हैं और युवाओं को लोग साथ लेकर चलते हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी हो। तो आप युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के सरकार से क्या फायदे आपको हुए थे? अखिलेश यादव से फायदा यही है कि जैसे खाद भी समय से मिल रहा था, मतलब लड़कों को लैपटॉप भी मिला समय से। तो क्या या अकेले सरकार आएगी तो गुड्डा राज भ्रष्टाचार ये सब खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं था, ये तो विरोधी कर रहे थे कि अकेले सरकार में ये गुंडा राज भ्रष्टाचार राज, दो दो मुकदमा लेके हम चल रहे हैं। चलिए, ये तो निजी मामला है, लेकिन इस बार आप अकेले सरकार लाएंगे जी। चलिए, हमारे साथ और दादा हैं, जानते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? असगर अली। अच्छा असगर, ये बताइए 2022 नजदीक, इस बार किसकी सरकार आप लाएंगे 2022 में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की, चलिए ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? जुग्गीलाल। किसकी सरकार लाएंगे इस बार? अखिलेश को। अखिलेश को लाएगा। अखिलेश सरकार से क्या लाभ है आपके? अरे बहुत लाभ है, अभी लाभ उनसे लेंगे। काहे के योगी जी से सरकार से नहीं लाभ है आपको? काहे गल्ला नहीं दे रहे आपको? हाँ, गल्ला मिल रहा है। गल्ला दो बात पा रहे हो ना? हाँ, गल्ला मिल रहा है। तो क्या सरकार से क्या नुकसान है आपको अब योगी जी के सरकार से? नहीं, नुकसान नहीं है, बात नुकसान नहीं। तो नहीं है, इस बार अखिलेश को बुलाएंगे। अच्छा, मन से ले रहे हैं कि कोई सिखाया? नहीं, मन से। अच्छा अच्छा, हाँ, दिल से अखिलेश को लाएंगे। दिल से। चलिए ठीक है। हाँ। हमारे साथ और युवा है, क्या नाम है भाई साहब का? राम कुमार। किसकी सरकार आएगी 2022 में? अखिलेश का आएगा। और अच्छा, अखिलेश का आएगा। तो अच्छा, अखिलेश सरकार से क्या आपके फायदे हैं? अरे बहुत फायदा रहता है, यूं में मतलब इतना महंगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ और युवा है, उनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका? जयसवाल। अच्छा, ये बताइए 2022 चुनाव नजदीक है और आप युवा हैं और देश के युवा ही सबसे आगे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, युवाओं को पहले वो आगे लाती है। तो आप इस बार युवा है, किसकी सरकार लाएंगे? भाजपा की सरकार लाएंगे। भाजपा सरकार से क्या लाभ है? हमको बहुत लाभ है उससे। अच्छा, सपा में क्या होता है? अब हमको उससे मतलब नहीं, हमको जिसको देना है बस हमको उनको देना। अब भाजपा को लाएंगे। हाँ। चलिए ठीक है, और हम लोगों जानते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? आनंद प्रकाश यादव। अच्छा अच्छा, ये बताइए इस बार 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? अखिलेश की सरकार बनेगी। अच्छा, अखिलेश। अखिलेश सरकार से क्या फायदे हैं? बहुत फायदे हैं। भाजपा में डीजल पेट्रोल देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, किसान की खेती सब बर्बाद हो रही है। अच्छा, हमारा पशुओं से। अच्छा, और बड़ी बड़ी दिक्कत झेल रहे हैं, खाद जो 50 किलो बोरी आती थी 45 की आ रही है। और तो यानी आप इस बार अखिलेश सरकार को लाएंगे? अखिलेश सरकार। तो ये तमाम जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार जब आती है तो गुड्डा राज भ्रष्टाचार फैल जाता है, कुछ नहीं, सभी सरकार में हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, क्या नाम है भाई साहब आपका? इस्लाम। क्या इस बार 2022 में किसकी सरकार लाएंगे? 2022 में जो है साइकिल चलाना चाहते हैं। तो क्या ये जो योगी सरकार है, योगी सरकार में आपको नुकसान हुए? नहीं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फायदा भी कुछ नहीं है। तो जो दो बार राशन दे रहे हैं मुफ्त, इस पर क्या कहेंगे? उससे ज़्यादा तो हमसे ले रही है ना। अच्छा हाँ, क्या क्या दे रहे हैं? चल रहे हैं खाने की तेल से लेके, अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम। तो क्या क्या सपा सरकार में ये जो छुट्टा जानवर थे नहीं घूमते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे साथ और लोग हैं, युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है भाई साहब आपका? रामू यादव। तो ये बताइए 2022 नजदीक है, किसकी सरकार लाएंगे आप? अखिलेश की। अखिलेश सरकार से क्या लाभ हुए आपको? लाभ तो बहुत है भैया। कहे कि भाजपा में नहीं लाभ है आपको? नहीं, भाजपा में नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? अब नुकसान तो होगा ही। क्या नुकसान हुआ, कुछ एक आध बताएं कुछ? गाय भैंस चल रही हैं, रात दिन रखा रहे हैं, और क्या होगा। तो कहे सरकार तो कह रही है अब दो बार मुफ्त राशन दे रहे हैं, पेट्रोल में 2000 रुपया दे रहे हैं, महंगा हो रहा है, और क्या होगा। अच्छा, डीजल महंगा हो गया, और क्या? पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, तो गाड़ी नहीं चलते हैं क्या? गाड़ी नहीं चलते हैं? नहीं तो चलेंगे क्यों नहीं, गाड़ी थोड़ी चलेंगे, गाड़ी नहीं बंद होगी। तो यानी इस बार सपा सरकार को बनाएगी। तो सपा सरकार में लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार गुंडा राज हो जाता है, क्या सही है ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब खाली कहने का है। तो यानी इस बार आप सपा सरकार,
चलिए हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संगमलाल जी, बताइए इस बार किसकी सरकार लाएंगे? योगी जी को लाएंगे। योगी जी को? योगी जी के सरकार से क्या आपको लाभ है? फायदा है, बहुत बढ़िया फायदा है। अच्छा, और उससे उस सरकार में क्या आपको लाभ मिले? सरकार में कुछ नहीं मिला, सपा में कुछ नहीं मिला, न कांग्रेस में मिला न किसी में मिला, न कांग्रेस में मिला न सपा में मिला। और भाजपा में? भाजपा में बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ मिला है जो बताएं? मेरे सब गरीब लोगों को सब चीज मिल रहा है। लाइट वाइट रहती है? हाँ, लाइट तो लगवा दिया था लंदर। और रोड, रोड जो गांव है रोड भी चमका रहा है, अभी क्या चाहिए। अच्छा, यानी गांव में जो पिछली सरकार थी, रोड हुआ या बिजली हुआ या बुजुर्ग ये नहीं रहता था? कुछ नहीं, भाजपा सरकार में। भाजपा सरकार, तो इस बार आप भाजपा को लाएंगे? भाजपा तो मेरे तरफ, फिर दोबारा भाजपा जिंदगी में। चलिए हमारे साथ और लोग हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश कुमार यादव। अच्छा, तो उमेश कुमार जी, बताइए 2022 चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो हम बनाएंगे सपा का। सपा का बनाएंगे? हाँ। अच्छा, योगी जी? अब योगी जी भी कहा है, मैं सपा सपा का दी था वोट देवे। तो जो ये योगी जी दो महीने में दो बार राशन दे रहे हैं? योगी जी 2 महीने में राशन देते हैं, 3 महीने में देते ही है। हम सपा बिजली गांव रहती है, रोड का रहेंगे तो सपा का वोट देंगे, और भाजपा का देंगे तो हमारा ही गिनती नहीं होगा कि भाजपा को दिए हैं। तो इसकी वजह से हमने सपा का पहले तमाम ऐसी लोग तो बसपा में थे, तो क्या बसपा में तमाम लोग हैं भाजपा में? अब हमें भाजपा से नहीं, यहाँ एक नुकसान है, जो पेट्रोल बढ़ा है और डीजल और अभी जो बहल्ला लोग चलते हैं, बताओ हमें कुछ नुकसान। तो सपा प्रत्याशी आएंगे तो उससे पहले क्या मुद्दा रखेंगे? अब यहाँ मुद्दा का रखा जी, कौन मुद्दा रखे, कौन मुद्दा रखेंगे? बहल्ला खत्म हुए और कौन उद्योग उनसे बहल्ला खत्म करने की व्यवस्था करें कहूँ राय के लिए। अच्छा, तो जो व्यवस्था इसमें भाजपा की सरकार में हुआ या नहीं? तो भाजपा सरकार में भाजपा आएगा तो भाजपा करेगा, सपा आएगा तो सपा करेगा, करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ उनको भी दोनों को। हाँ, तो अब हम चल रहे हैं, हमारे साथ और तमाम लोग हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि 2022 में जो चुनाव है विधानसभा, और आने वाले समय में इस बार किसकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसके हाथ में होगी, अखिलेश के हाथ में होगी या माया के हाथ में होगी या योगी के हाथ में होगी। आइए हम हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पंडित रामयज्ञ मिश्र। तो 2022 चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बना रहे हैं? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वक्त बताएगा। जनता भी जानती ना कि अखिलेश से क्या फायदा होता है। तो यानी इस बार आप बीजेपी सरकार ला रहे हैं? तो एकदम पूर्ण बहुमत के साथ में आवते, वहाँ कोनो दिक्कत थोड़ो है। तो आप देख सकते थे कि हम बलरामपुर जनपद के विधानसभा 294 चौर खाता क्षेत्र में चल रहे थे, जहाँ तमाम हमारे साथ तमाम जनता मिले, जो विधानसभा चुनाव का रुझान बताए। तो किसी ने कहा हम सपा की सरकार ला रहे हैं, तो किसी ने कहा भाजपा की सरकार ला रहे हैं, तो किसी ने कहा बसपा की सरकार ला रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि 2022 चुनाव नज़दीक है, और 2022 में जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी है माया के हाथ में होगी या अखिलेश के हाथ में होगी या फिर दोबारा योगी होगी। कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ अमित कुमार, प्राइम टीवी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। प्राइम पब्लिक और सरकार, आइए हम आपको बता दें कि 2022 में सरकार किसकी बनती है। क्या नाम बता दा? हमारे शिव चौहान। 2022 में के चुनल चाहते हैं? अब समय ने बताई, अब कहा हमारे बता जाए के सपा के बीजेपी। अरे यही दुगो में कांग्रेस, यही दुगो में क्यों चुना जाए? के चुनल चाहते हैं? अरे अब जेके चुना जा, अभी तो बहुत टाइम है। क्या नाम है दादा? मनबोज चौहान। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की जी। क्या बीजेपी में खासियत दिखी आपको? बीजेपी में बहुत खासियत मिला, ट्रेन चलने में कहीं भीड़ भाड़ नहीं है, सुरक्षित जगह मिला, आदमी बैठ के ट्रेन से सफ़र कर लिया। हाँ, आज जनरल तरीके से रहते भीड़ भाड़ होता था, आदमी को तकलीफ होता था। साथ साथ जो है खेती के बारे में देखभाल भी लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। खाली गाँव के प्रधान ही कुछ नहीं बता पाता, बाकी जितने अधिकारी आते हैं कह के चले जाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद गुण भैया। 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अब इन तो भैया ही नहीं को सरकार रहा तो ठीक रहा, बीजेपी का बढ़िया है, इस समय जो हिसाब से बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत ना। क्या आपके अच्छा लगता है? इनके सरकार में हर सुविधा भी मिल रहा है टाइम टाइम से सबके। अरे आई गैस फ्री सबके लिए, बिजली भी माफ, जितना लॉकडाउन में संप्रम किए हैं हमारा मोदी, योगी आदित्यनाथ योगी बहुत अच्छे काम किए हैं। और सपा से खुश नहीं है? ठीक है, इनसे खुश हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। क्या नाम है बाबू? अभिषेक चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलचौरा।
चल चौरा मऊ मऊ 2022 में किसको आप चाहते हैं? मोदी योगी। मोदी योगी जी हाँ। मोदी योगी से बहुत खुश हैं। हाँ तीन बार मोदी। क्या नाम है? अर्जुन चौहान बेलचौरा मऊ। मैं चाहता हूँ मोदी योगी का सरकार आए और बस कुछ नहीं, मोदी योगी के सरकार। आप एक युवा हैं और युवा के बारे में क्या सोचते हैं? युवा के बारे में सब मोदी जी का सब योगी जी का सब ये का नाम है कि मोदी योगी का सरकार आए, बस यही सब का नाम है। हमको कहीं बीमारी नहीं हो जाए तो घसील दे, अखिलेश आएगा तो आएगा। अखिलेश ने आगराज प्रेस, ठीक है, आगराज प्रेस, उत्तराखंड स्टेडियम, सारे पोल अखिलेश के तहत है भैया। सरकार जो है वो अपनी बार सफाई है, सब लोग यही जानते हैं, व्यापारी कारोबारी आदि परेशान है सरकार तो क्या क्या गलतियाँ में रही हैं जो उसी क्या है? व्यापारियों के लिए सरकार ने करा क्या है? आप भी बिजनेस करते हो, आप बताओ आपने मतलब सरकार ने क्या करा है? कुछ ऐसा उन्होंने कोई ऐसा जिसे किसान में लिया था उसको वापस ले लिया है कि कल मोदी ने बताया है ये जो है इलेक्शन आने वाले हैं अभी जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से हमारा कहने का मतलब यही है अखिलेश आएंगे, बाबा जी तो नहीं आएंगे। बाबा जी कोई 5 साल में काम ही नहीं किया और ना उनका कोई काम दिख रहा है। अरे बाबा जी काम किया होता तो काम दिखा होता। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, बाबा जी का कोई काम करते तो बाबा जी का काम नजर आता। बाबा जी का कोई काम ही कोई नहीं किया। मुर्गा मंडी वाले दिखा देते जो बाबा की सरकार चल रही गुड्डे जो गुड्डे हैं उनको पकड़वा ही नहीं रहे हैं बाबा जी। सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई की बहुत जो है ध्वस्तता है और सरकारी कॉलेज में ज़्यादातर मेरा कहना यही है कि मैं बाहर जहाँ से भी जो सरकारी कॉलेज में शिक्षक नहीं समय से आते हैं, बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दी जा रही है, या मान लीजिए जो हम लोग यहाँ पर बाहर जो वर्क करके आए हैं तो उनमें जो है क्या कहते हैं ना तो कोई रहने की सुविधा है। भाई सीधी सी बात है, बच्चा जब बाहर से पढ़ने आया है तो उसका जो है साग सब्जी हर चीज़ खरीदेगा और आपके ज़माने में अगर मंडी में जो खर्चा देखा जाए तो 5-7 हज़ार जा रहा है। तो एक जो सामान्य वर्ग परिवार का एक छात्र है वो कैसे बाहर जीवन अपना यापन कर रहा है वो खुद ही जान सकता है। तो मेरा बस यही कहना है कि इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तो अभी सरकार जो बनी थी उसके क्या बता स्टूडेंट के ऊपर या विद्यार्थियों की क्या सोचा अभी तक? देखिए सरकारें, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करना चाहूँगा, सरकारें सभी अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं किसी को वो नहीं किसी समाजवादी पार्टी से भाजपा से या मान लीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी में किसी पार्टी को मेरा बस यही कहना है किसी को महंगाई एक पर सोचा जाए, बाकी हमारी सरकार भी अच्छा काम कर रही है। हालांकि अब हर एक व्यक्ति हर सरकार से नहीं कुछ हो सकता है ना, तो जो जैसा काम कर रहा है अपना अपने स्तर से वो सही काम कर रहा है। बस मेरा कहना यह है कि थोड़ा छात्र के अब जैसे कि अभी स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें भरवाई गई, जैसे हमारी सरकार का कहना है कि छात्रों का स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं तो बच्चों को कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। एक समाज वर्ग परिवार का लड़का है उसको बहुत मदद मिलती है। आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है जाने के लिए कौन जीतना चाहिए? मैं तो ये नहीं बताना चाहूँगा और ना ही मुझे इस चीज़ में विशेष रूप से अनुभव है। बाकी मेरे यही कहना है कि जो भी आए सरकार बस ये है कि थोड़ा देश की उन्नति की ओर चले और महंगाई कम करें। ऐसा नहीं है कि पहले सरकारें नहीं थी और पहले लोग जीवन नहीं सकते। जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।